अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका हॉस्ट मलिक नदीम शाह, FM4 के न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सितारों के महफिल प्रोग्राम के साथ आज हमारे साथ जो खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, आज दरअसल मैं आज शेखपुरा कोट अब्दुल मालिक थिएटर संगम थिएटर्स में मौजूद हूं, जहां पे आज ओपनिंग है। और इस ओपनिंग में यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है हमारे साथ, स्टेज की मारूफ एक्टर और डांसर और सिटी स्टार विमल अली शाह और दीगर आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं विमल अली जी से, फिर आगे सब आर्टिस्टों के साथ छोटी छोटी गपशप होगी। जी अस्सलाम वालेकुम विमल। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा प्रोटोकॉल किया, बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ टीम। अच्छा जी, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे कि मैडम जी, महक मलिक ने स्टेज पर आकर शीमेल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा परवान चढ़ाया। बिल्कुल, क्योंकि पीछे इससे पहले मुख्तलिफ टॉपिक पे बात चलती रही है, लेकिन स्टेज पे आने नहीं दिया जा रहा था। जब से महक मलिक स्टेज पर आई है तो आपके कम्युनिटी में विमल अली शाह हैं, चाहत हैं, कुरबा हैं और दीगर भी आर्टिस्ट जो है वो, उन लोगों को भी स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू हो गई है, कैसा फील करती है? हम बहुत अच्छा फील करती हैं और महक पे तो हम लोग बहुत प्राउड फील करती हैं। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं वो, माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी की स्टार हैं। मेरी ये सीनियर हैं, मुझे और किसी का पता नहीं, लेकिन मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्हें अपना सीनियर मानती हूँ और बहुत अच्छी हैं वो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। महक मलिक ने भी आज आना था, कुछ वो आपके साथ नहीं आई, सुनने में आया था कि वो भी साथ आ रही हैं। जी शायद उनका कोई इवेंट था, वो बिजी थी थोड़ी सी, वो इसलिए नहीं आ सकती। जी थैंक यू सो मच। और ये यहाँ पर अनीला शहजादी ने एक साल के लिए यहाँ पर ये थिएटर जो ना वो उन्होंने टिकट पे दिया है, तो और एक नई कावेश है क्योंकि ये नया सिलसिला और नए आर्टिस्टों का यहाँ पे आना अच्छी खुशहाल बात है। और आप इनके लिए, अनीला शहजादी के लिए, और साथ हमारे कैसे सोनू साहब हैं जो इस वक्त सरपरस्ते आला हैं थिएटर्स में, और इनका भी साथ बहुत बड़ी कावेश इनके साथ, में क्या बताएंगे? मैं अनीला जी को बहुत पहले तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, अल्लाह पाक उनका ये थिएटर ऐसे ही अल्लाह पाक उन्हें रोजी देता देता रहे, कामयाब करता रहे, उनके जितने भी स्टार आए यहाँ पे उनके लिए भरपूर क्लैप हो, भरपूर ऑडियंस आए, मेरी दुआ है सबके लिए। और कैसर जी के साथ तो हम लोग हैं ऑलरेडी। ऑडियंस की बात करें तो, ऑडियंस की बात करें तो नसीर साहब तो यहाँ के ऑनर हैं स्टेटस के भी, और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे प्ले इन्होंने किए हैं, और यहाँ पे आप जैसे सीनियर आर्टिस्टों का मधु होना भी यहाँ पे पब्लिक के लिए बहुत खुश है। देखिए आर्टिस्ट भी तभी आता है जब माहौल अच्छा हो, माशाल्लाह इतना अच्छा थिएटर है, इतना प्यारा माहौल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। आर्टिस्ट वहीं आएगा जहाँ पे उसे अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा, अच्छी सहूलत मिलेगी। देखिए यहाँ पे हर सहूलत है तो आर्टिस्ट कैसे नहीं आएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा थिएटर है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और जी इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज की बहुत ही मारूफ एक्टर अनीला शहजादी, जिन्होंने एक साल के लिए संगम थिएटर को अब्दुल मालिक यहाँ पे उन्होंने एक साल के जेके पे लिया है, आइए उनसे इस बारे में पूछते हैं। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आज ही गुजरांवाला शहर छोड़ के शेखपुरा की तरफ आए और बहुत से थिएटर्स में आपने परफॉर्म किया, बहुत उमदा परफॉर्मेंस, और आपने अपने परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा जिंदे गाड़े अपने परफॉर्मेंस की वजह से, और आप बहुत से जो थिएटर्स हैं वहाँ पर आपने एज ए रिप दिया उनको। जी बिल्कुल। इस दफ़ा आप एक साल के लिए यहाँ पे आप हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। देखिए ना शाहिद साहब, जहाँ पे हम लोगों को एक्टर्स को ज़्यादा प्यार मिलता है, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हमें लाइक करती है, तो हमें चाहिए कि हमें वहाँ जाना चाहिए। और आपको तो पता ही है, बल्कि सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो म्यारी होता है हमेशा ही, तो मेरी कोशिश यही होती है, हर बार यही कोशिश होती है कि मैं खुद ये एक हमारा एक्टरों का एक गुलदस्ता है, इनको साथ लेके चलूँ। थैंक यू सो मच जी। और इसके साथ हमारे स्टेज की बहुत मारूफ एक्टर मुस्कान जी भी मौजूद हैं। मुस्कान जी, अनीला शहजादी ने और सरपरस्त आला जनाब बे मोहतरम वाले बहुत ही काबिल एग्जाम है, कैसे सोनू भाई जो किसी तौर के मोहताज नहीं, और इस थिएटर के हवाले से आप क्या क्या कहना चाहें? जी इनको बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह पाक इनको कामयाबी और तरक्की दे। और माशाल्लाह मलिक साहब ने थिएटर को पहले ही बहुत स्टैंड किया हुआ है, इनको कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। शुक्रिया जी। और साथ हमारे साथ कैसे सोनू भाई मौजूद हैं। कैसे सोनू भाई, आपने स्टेप बाय स्टेप हर काम को बड़ा डीपली लेकर चल रहे हैं, और इस बार आपने ये कदम भी उठाया महक मलिक के साथ, आपको तो उनके समझ के पर्सनल सेक्रेटरी समझ लें या उनके गुरु समझ लें या उसके बाद समझ बहुत है, हाँ प्रमोटर मैनेजर समझ बहुत से हैं। बिल्कुल। और अब आपने ये कावज किया है कि आप साल के लिए अटैचमेंट है अनीला शहजादी के साथ, आप पूरे साल के लिए सरपरस्त आला है, और ये एक नया जो आपको एक क्या कहते हैं मिला है।
जी वो डेटे तो मैं पहले भी करता था, लाहौर इधर गुजरात की। नमाया कभी नहीं हुए थे? नमाया में होता भी नहीं, अभी भी नमाया नहीं हो। तो दूसरी बात रह गई महक जी, ये भी मेरी फैमिली है, मेरा एक टीम का हिस्सा है। महक जी भी मेरी टीम का हिस्सा है, तलाश जी हैं, उर्वा जी हैं, ये जितनी भी हमारी चाहत जी हैं, ये सब में ये तो अपने घर के हैं ना, तो इनको भी इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे तो काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बिग डायरेक्टर्स में इनका शुमार होता है, आज का ड्रामा सीरियल भी बहुत प्यारे हैं और डायरेक्शन में भी इनका बहुत अच्छे प्ले किए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुमाया मुकाम हासिल किया। मेरी मुराद आज वसीम अकरम साहब से। वसीम अकरम भाई, आप कोर्ट अब्दुल मालिक में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, पहले भी आपने बहुत सी जगह पे परफॉर्म किया, आज आप अनीला शहजादी के साथ अटैच हुए हैं, और यहाँ पे आप अपना कोई न्यू एक्सपीरियंस क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अनीला को मुबारकबाद देता हूँ कि एक आर्टिस्ट होने के नाते वो प्रोड्यूसर से कन्वर्ट हुई और उन्होंने संगम थिएटर जो है वो लिया, और जो ये जितनी भी यहाँ पे रौनक लगी है ये मलक नसीर साहब की वजह से है। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। ये जितना आर्टिस्टों से प्यार करते हैं ना, आपको किसी थिएटर में नहीं मिलेगा, ये मैं दावे से बात करता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम कर, मैं ना भी काम करूँ मेरा फिर भी वही इतना बड़ा ताल्लुक है इनके साथ। और अनीला जिस तरह इसने एक टीम इकट्ठी किया है, गुलदस्ता बनाया है, इंशाल्लाह ताला कामयाबियां जो है वो इसका मुकद्दर बनेगी, और हमारी दुआएं इसके साथ है। मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मैं एक मुनफरद ड्रामा करूं, और इंशाल्लाह ये ड्रामा जो हम 4 अगस्त से कर रहे हैं, ये आप जो बंदा भी ड्रामा देखेगा उसको एक खूबसूरत ड्रामा मिलेगा और लोगों से डिफरेंट काम मिलेगा। जैसे कि आप ग्रीन चैनल जो रील स्टार्ट था, उसे आप ऐसे विलामल के साथ अपनी वहाँ पर ड्रामा सीरियल से हैं। हाँ जी, वो आप ड्रामे में अच्छा प्ले का किरदार अदा करें, जहाँ स्टेज पर भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस अच्छे आर्टिस्ट से करवाने का वादा है। इंशाल्लाह वो जीवन नगर जो ग्रीन चैनल पे सीरियल शुरू हुआ है उसमें एक बड़ा खूबसूरत रोल है मेरा नेगेटिव, तो हर आर्टिस्ट की कोशिश होती है। मैं पहले आर्टिस्ट हूँ, डायरेक्टर बाद में हूँ, मेरी भी कोशिश है कि मैं टीवी ज़्यादा करूँ। तो बाकी जो थिएटर है, थिएटर पे मेरी कोशिश होती है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, हम लोग एक फैमिली की तरह काम करें और एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता आवाम के सामने पेश करें कि जिसको आवाम सराहे। हमारी यही खुशी है, हम आपस में बांट लेते हैं, इससे बड़ा मुकद्दर किसी का हो ही नहीं सकता। जी थैंक यू सो मच वसीम अकरम भाई और अनीला शहजादी जी, नसीर भाई जान और इमर अली शाह जी। नसीर भाई, आपके यहाँ के प्लेटफॉर्म आपका ये थिएटर है और यहाँ पे अनीला शहजादी काफ़ी अर्सा बाद आपके यहाँ परफॉर्म करने आए हैं, तो आप ये न्यू टीम के साथ आप नया काम करने का मौका मिला तो कैसा फील? देखिए जी, हमारी कोशिश होती है कि म्यारी काम हो, किसी किस्म की वर्गलेशन ना हो। ये हमारे डायरेक्टर हैं, मैं तकरीबन 12-13 साल से थिएटर चला रहा हूँ, मैं सख्त मजामत करता हूँ वर्गर। हम कहते हैं जो भी हमारा प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, वो काम म्यारी करें, जिसकी मिसाल हो, क्योंकि माशाल्लाह मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ, तो किसी किस्म की भी हमारी को किसी मैच जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारे, मैं गुजरा वाला से बिलोंग करता हूँ, मैं स्पेशली यहाँ पे मुझे मधु किया गया है। नसीर भाई, मैं पहले भी 1-2 दफा आ चुका हूँ और आपके नो डाउट कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छे प्ले दिए हैं। जी बिल्कुल जी, ये वसीम अकरम साहब है कि मैं अपनी तारीफ तो अपनी जबान से कर नहीं सकता, हमारी काम ही हमारी पहचान है। मलिक साहब की हमेशा कोशिश होती है कि एक अच्छा ड्रामा हो, लोग ड्रामा देखे, और मैं खुद बताते खुद वर्गैलिटी के बहुत खराब हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि हम लोग जो है एक टीम बन के एक घर का माहौल पैदा हो, ताकि हमारी देखिए हमने ऑडियंस के लिए प्ले करने हैं, ऑडियंस आएगी तो हम दिखाएंगे ना, बर्गर कितनी देर तक कर लेंगे, 2-4 थिएटर में करेंगे, उसके बाद लोग वही हमें गालियाँ देकर निकल जाएंगे। थिएटर जो है वो ड्रामे की पहचान। बिल्कुल जी, जैसा कि वसीम अकरम साहब का शुमार पाकिस्तान के बहुत ही बिग डायरेक्टर्स में शुमार होता है, आज उन्होंने ये फरमाया कि आइंदा भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह अच्छे प्ले देता रहूंगा और यहाँ पे अच्छे आर्टिस्टों को प्रमोट करता रहूंगा। और साथ नसीर साहब का भी यही कहना है कि हम वर्कर नहीं करते, नो डाउट कि यहाँ पे बहुत अच्छे प्ले होते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले जो वक्त गुजरा और मौजूदा वक्त में वो इससे भी बेहतर प्ले करने की कोशिश करेंगे। जी।